सोशल मीडिया ते लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है जिस दे विच कांग्रेस दे सीनियर लीडर आपस दे विच गुथम गुथी अल्फाजा राही हुंदे नजर आ रहे हैं। ते इस वीडियो दे राही जग जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस दे विच अजे रोड़ा खत्म नहीं होया। बीते साल राजस्थान ते फिर पंजाब ते हुण हिमाचल प्रदेश दा ये वीडियो सब कुछ अपने आप बयान कर रहा है। दस दईए इस वीडियो दे विच कांग्रेस दे सीनियर लीडर गंगूराम मुसाफिर जो सतवार दे विधायक रहे हैं वो नजर आ रहे हैं ते नाल ही महासचिव कांग्रेस दे रजनीश खिमटा ते होर भी कई कांग्रेस वर्कर इस वीडियो दे विच वेखे जा रहे हैं जिस दे विच गंगूराम मुसाफिर ते होर कई राजनीतिकरण दी गल भी कह रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई भी ब्लॉक चौपाल में हमारे 11 आदमी स्टेट के बने हैं, 7 आदमी मेरे विरोध के, मैं हूँ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 की है सदरक्षा, 11 टोटल संजीव 11, उसमें से 7 आदमी मेरा विरोध करते रोज, वहाँ रोज, आज नहीं रोज लगे 7 प्रतिक्रार्थी है मेरे खिलाफ। मैं आपको बात करूँ पार्टी के गंगूराम मुसाफिर जी का अपना स्थान है, उनके स्थान को कोई टच नहीं कर सकता। अगर अभी आप सुनिए, अभी हो सकता है संजीव भी बन रहा हो अगले हफ्ते, हो सकता है 2 आदमी और हो, यहाँ तो सब आ जाएगी बोलने के लिए क्यों बनाए, दूसरा विरोध आएगा। मेरी बात सुन, जो स्टेट की एलिवेशन होती है ना उसका एक अलग तरीका, ब्लॉक तक का तो होता है आपका कैंडिडेट या ब्लॉक का अध्यक्ष रिकमेंडेशन भेजेगा, इसको ब्लॉक में बना लो, ठीक है ना जी। डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट का प्रधान भेजता है कि भाई हमारे पछाद में ये 4-5 लोग अच्छे हैं या कोंटा में हमारे ये, इनको भेज दो, तो उसमें पार्टी आगे कर दी। जो स्टेट का सिस्टम है ना, स्टेट का सिस्टम होता सारे की तरह दिल्ली से, वो एक सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर, इस समय सर्वे हो रहा है, ब्लॉक को ना कॉन्फिडेंस ले दिया जब उनको नहीं तो फिर चुनाव सीनियर लोग ज्वाइन करते हैं जितने हमारे चुनाव ये हम लोग ज्वाइन करते हैं। सीनियर को अपनी पावर तो मेरे पास भी नहीं है ना, हमारे को मालूम है गुमराह किए जा रहे हैं जी। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है ना उसके लिए हम भी कुछ नहीं करेंगे। राजनीति मत करो, मैं कह रहा हूँ राजनीति मत करो, ये मैं आपको सुन रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे को बहुत महंगा पड़ेगा, मुसाफिर हमारे देवते खाएंगे। साढ़े नाल फोन लाइन ते इस वेले जुड़ चुके हैं कांग्रेस दे सीनियर लीडर गंगूराम मुसाफिर जिहड़े इस वीडियो दे विच राजनीति करन दी गल अपने सीनियर कांग्रेसी लीडरां नूं दस रहे हैं। मुसाफिर साहब जगबाणी टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच। मुसाफिर साहब तुहाडा एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है ते उस दे विच खिमटा जिहड़े कांग्रेस दे महासचिव हैं उन्हां नाल तलखनदाजी वेखण नूं मिल रही है, की कहोगे इस वीडियो इस संबंध च? पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है, ऐसा मालूम नहीं है कि मैं कांग्रेस ऑफिस जरूर गया था जी अपने पार्टी के काम से जी, लेकिन ऐसा ऐसा
तो मेरे ध्यान में कुछ नहीं है। पर मुसाफिर साहब तुही ता वीडियो दे विच राजनीति करन दी गल कह रहे ने, कहा ये जा रहा कि जेड़ी दयाल प्यारी नू जिम्मेदारी दित्ती गई आ उस नू लेके भी कुछ वर्कर नाराज सी। मैं तो उसका स्वागत किया है, नाराज होने का तो प्रश्न नहीं कर रहा होता। बाकी जी पार्टी के बीच में और कई मसले होते हैं, वो यही मसला पूरी है जी, तो उसमें आपस में बातचीत तो चलती रहती है और मुद्दे सुलझते रहते हैं जी। गंगूराम साहब किथे एहो जिहा तां नहीं कि जिवें पहलां कांग्रेस राजस्थान दे विच कड़ा कलेश अंदरूनी तौर ते चलदा रहा, उस तों बाद पंजाब दे विच जारी रहा ते हुण हिमाचल दे विच अंतर कला चलदी रही ते बाद दे विच धमाका कोई वड्डा ही होवे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं वेरी सीनियर पर्सन जी, एट देन सम टाइम एमएलए जी और डिफरेंट पोस्ट पे रहा हूं जी, एंड आई एम वेरी रिस्पांसिबल मैन जी जी, तो कुछ नहीं है और हम पार्टी के प्रति समर्पित है जी। और ऐसा पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी कोई मंशा ना है ना होगी ना जी, भविष्य में कोई ऐसा जी। चलो तुसीं अपने वीडियो के संबंध में तां स्पष्टीकरण देता कि कोई अंतरूनी कला नहीं है, पर भाजपा नूं जिहड़ी हार मिली है चार सीटां ते, जिहड़ियां एक पासे जिमणी चोणां होईआं ने लोक सभा सीट लई ते तीन विधानसभा सीटां लई, उस नूं किवें देखदे हो? वो बात ठीक है कि ये जो उपचुनाव हुए हैं जी, चाहे हिमाचल में हुए हैं, हरियाणा में हुए, राजस्थान में हुए, वेस्ट बंगाल जी, महाराष्ट्र में हुए, इसमें एनडीए गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत झटका लगा जी, और जिससे इनकी चूल्हे हिल गई, और खासकर हिमाचल की जो चार सीटों से पे जो जीत आई है जी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डिमांड जब्त हुई है जी, तो उससे लगता है कि रैंक एंड फाइल में जी काफी एक मतलब ऐसा हो गया है जी। और मैं समझता हूँ ये एनडीए गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है जी, उसकी गलत नीतियों का परिणाम है जी। और जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है जी, भ्रष्टाचार है जी, विकास जो है वो जीरो है, केवल हवाओं में ही बातें हैं, तो ये कल कुल उन बातों का, उन चीजों का परिणाम सामने आया है जी। तो मैं समझता हूँ कि एक भाजपा के लिए खतरे की घंटी है जी, और लोगों ने उनको उनका जो सही आयना चेहरा है जी वो आईने में दिखा दिया जी। वैसे हिमाचल भाजपा के प्रधान ते संसद मैंबर तुहाडे सिरमौर तो ही बिलोंग करते हैं, पछाड़ वाले एरिए काफ़ी वो विचरते हैं, तो आईना दसण की तुसीं गल कह दी आ, पर विधानसभा सैशन 15 तरीक तो शुरू हो रहा, की कुछ खास रहने वाला विरोधी धिर होने के नाते की कुछ मसले कांग्रेस वालों विधानसभा इजलास दरमियान चक्के जाने हैं? बहुत मुद्दे हैं जी, मैं समझता हूँ महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है जी, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार जी, और विकास, और जिस तरीके से आज सड़कों की हालत है जी, जो मतलब मूलभूत जो चीजें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही जी, मतलब जो डिलीवरी है गवर्नमेंट की वो उससे लोग जो खफा हो गए जी, तो उससे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं विधानसभा में जी जी उठाए जाएंगे जी, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर। चलो गंगूराम साहब तुही अपनी वायरल वीडियो जिहड़ी तलखानदाजी वाली देखी जा रही है राजनीतिकरण दी, उहदे ते तुही आप गल कह रहे हो, तुसीं उहदे ते स्पष्टीकरण तां देता, पर वेखण वाली गल होएगी कि आउंदे दिनां दे विच कांग्रेस दा इह वीडियो जिहड़ा वायरल होया ते विधानसभा सैशन दे विच तलखानदाजी किहो जी वेखण नूं मिलदी आ। साडे नाल गलबात करन लई गंगूराम साहब बहुत बहुत धन्नवाद जी।